लखीसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, दिनदहाड़े बुजुर्ग की हत्या, सूचना के बाद एक्शन में आई पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के कहर को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की, जिसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से अब जाना जाएगा। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन सभी के द्वारा किया जाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। लेकिन जिस तरह से सीएम सोरेन ने निर्णय लिया, तमाम पाबंदियां भी, झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है, हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम COVID-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीजें बंद होंगी, कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए तो आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी, ये भी कहा गया। और आगे कृषि, औद्योगिक निर्माण और खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परंतु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। वहां पर 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। पटना और पूरे बिहार में कोरोना की स्थिति काफी खराब है। सरकार के उपाय नाकाफी हैं, लेकिन अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं और बिना मास्क के पटना जंक्शन जैसे संवेदनशील जगहों पर घूम रहे हैं। इसे देखते हुए जाप की तरफ से पटना जंक्शन पर लोगों को मास्क दिया गया और गुलाब का फूल देखकर उनसे प्रार्थना की गई कि मास्क का प्रयोग आप करें। बिहार में बेकाबू होता कोरोना। आज का मुहिम है कि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये आदेश किया गया कि आप लोग एक टुकड़ी लेकर के और पटना जंक्शन पर जाइए और वहाँ पर जितने भी बिना मास्क के लोग यात्री उतर रहे हैं या यात्री करने के लिए। झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है, वहीं टीकाकरण अभियान भी जोरों शोरों पर किया जा रहा है। राज्य में बीते 24 घंटों में 18,758 लोगों को कोरोना के टीके का पहला डोज लगा, वहीं 7,622 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से 46 लोगों की जानें भी चली गई, जबकि 1,404 नए केस भी सामने आए।
अनूपपुर में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों पर निर्णय लेते हुए आज शाम 6 बजे से 3 मई की सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। वहीं जल्द इस संबंध में आदेश भी जारी किए जाएंगे। और कल बीते दिन एक दिन में जिले में 400 नए संक्रमित के मिलने के बाद जिला आपदा प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया है। कैमूर के भभुआ शहर में डीएम और एसपी ने सभी दुकानदारों और आम लोगों को बिहार सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने का निर्देश अब दिया है। इसे लेकर डीएम एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बस सड़कों पर उतरे और 6 बजे से पहले सभी दुकानों को बंद करवाया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को निर्देश भी दिया गया कि बिहार सरकार के दिए गए गाइडलाइंस का पालन करें, जिससे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके। साथ ही गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की भी बात कही गई। जायजा लिया गया है और इस संबंध में है कि लगातार ही जॉइंट ऑर्डर भी निकाला गया हुआ है और डेली बेसिस पे जो मास्क अभियान है वह भी चलाया जा रहा है। और जैसा अभी जो फेज है इसको लेकर जो हमारा मास्क अभियान है इसमें और भी तीव्रता लगी है। तो पूरी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जो नहीं मान रखते थे? पूर्व में भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। जिन भी हमारे जो दुकानदार भाई हैं जिन्हें गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया गया है, चाहे हमारा मंडियाल मंडल हो दोनों जगह दुकानों को विधिवत रूप से सील भी किया गया है, कुछ जगह दुकानें बंद भी रही हैं। जो भी दिया अगर गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो कठोर कार्रवाई। आज से नियम लागू है पूरे बिहार में, शाम को 6 बजे के उपरांत जो जरूरी और आवश्यक सेवाएं हैं उनके अलावा जो अन्य दुकानें वो बंद रहेंगी। पुलिस इसको इंश्योर कराएगी कि 6 बजे तक प्रत्येक स्थिति में मार्केट बंद हो जाए। दूसरा गाइडलाइन ये है कि रात्रि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ऐसी स्थिति में लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर टहलने से मना किया जाएगा। अगर लोग घूमते पाए जाते हैं तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। तीसरा जो एक्शन है पुलिस की तरफ से वो मास्क चेकिंग अभियान का है। ऐसे मास्क चेकिंग अभियान लगातार चल रहा था लेकिन आज से इसमें और ज़्यादा कड़ाई की गई और कल और ज़्यादा कड़ाई की जाएगी। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सदर एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में अपने दल बल के साथ माइकिंग की गई और लोगों से मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही सरकार की ओर से कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइंस को पालन करने के निर्देश भी वहां पर दिए गए। आप अपने अपने दुकान को यथासंभव बंद रखें और 6 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खोले रखेंगे। आरयू के पीजी जनजाति और क्षेत्रीय भाषा विभाग में 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है और इसके लिए आधारित 20 शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई, जबकि 2 स्थायी शिक्षक हैं। इसके बावजूद भी इस विभाग में नामांकन की स्थिति काफी खराब है, जहां इस साल ऑनलाइन नामांकन होने की वजह से कई विद्यार्थी नामांकन लेने से वंचित हो गए। इस विभाग में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों तक 100% ऑनलाइन मटेरियल भी नहीं पहुंच पाया। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के सत्र 2020-22 में नामांकन बहुत कम हुआ है। यह झारखंड राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यह राज्य का इकलौता विभाग है जहां पर झारखंड की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और यहां की परंपरा की पढ़ाई होती है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीन बैठी हुई है। सीतामढ़ी जिले के मेसल गांव में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से 2 शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं पर एक युवक का इलाज अभी जारी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम करके विरोध किया। मौके पर पहुंचे रुन्नी सैदरपुर थाना प्रभारी देवेंद्र प्रसाद सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर रास्ता खाली करवाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भी भेजा गया। एक घंटा पहले करीब एक महिला है शांति देवी चेतन सिंह की पत्नी,
वार्ड नंबर 8 के निवासी गंगमारा बुजुर्ग पंचायत की, उसकी मृत्यु हो गई है। टेम्पो से उतरने के क्रम में चार चक्का के वाहन से ठोकर लग गया है। बदायूं में एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई, जहां पर बोलेरो अनियंत्रित होकर ठेले के ऊपर पलट गई, जिसमें अमरूद विक्रेता का 14 वर्षीय पुत्र घायल हो गया। वहीं बोलेरो गाड़ी चालक और उसकी पत्नी दोनों की गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया है। सोनभद्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर टायर फटने से तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, दर्जन से ज्यादा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सभी घायलों को सीएससी मधुपुर भेज दिया गया, जहां 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल भी रेफर किया गया। बदायूं के मुडारी सितारपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबरों की माने तो आग लगने की इस घटना में 2 गायों की भी जलकर मौत हो गई। तीन कुंटल लाइटर जल गया, 3 बीघा का गेहूँ खड़ा वाला मैंने इकट्ठा करके लगा दिया था, वो भी जल गया। और मेरे छोटे भाई की शादी थी, 30,000 रुपये मेरे मझले भाई ने दिए थे, 20 मैंने दिए थे मम्मी को, जिस झोपड़े में लिए बैठी थी, मैं वोट डालने चला गया, आग लग गई, 50,000 रुपये का नकदास जली मेरी और इंजन जल गया और भूसा और 3 कुंटल लाइटा और इतना नुकसान मेरा यहाँ हुआ है। लगी जनाब में बुजुर्ग की हत्या से दिन दहाड़े इस हत्या से सनसनी फैल गई। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई थी, जिस पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए मामले की कार्रवाई की। इतना ही नहीं, अपराधियों ने हत्या के बाद बुजुर्ग का शव छुपाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। फिलहाल पुलिस अब हत्या के कारण की जाँच में अब जुटी है। यूपी के शाहजहांपुर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां पर युवक हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए अपनी कई मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया, प्रदर्शन करने लगा। वहीं युवक ने लगभग 7 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट ने युवक की मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया और युवक को नीचे उतारा गया। जब मुझे जानकारी हुई तो युवक टंगी पर चढ़ चुका था और कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता बताया जा रहा था, कुछ उसकी मांगे होंगी प्रशासन को लेकर, इसी वजह से शायद वो ऊपर टंकी पे सुबह तड़के चढ़ गया था और प्रदर्शन करता रहा अपना। स्थानीय प्रशासन और बेरी चौकी इंचार्ज वगैरह सारे लोग आ चुके थे वहाँ पर, फिर कुछ समझाकर बुझाकर उसको शायद नीचे उतारा गया है, लेकिन उसकी मांगे थी इसलिए कुछ प्रशासन ने ध्यान दिया या नहीं दिया ये तो नहीं जानकारी है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ही वो चढ़ा था, कुछ उसकी मांगे होंगी। इसके बाद प्रशासन आया आनन फानन में और उसको उतार कर टंगी से ले गया। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित मधवापुर थाना के पास डकैतों ने एक डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिसमें दर्जनों की संख्या में हथियार से लैस पहुंचे नकाबपोश अपराधियों ने जमकर बमबारी करते हुए पिस्टल और लोहे की रॉड से मारकर 8 लोगों को जख्मी कर दिया। घर में रखे 24 लाख रुपए से अधिक लूट करके वो चले गए। वहीं इस वारदात के बाद से ग्रामीणों में पुलिस की लापरवाही को लेकर आक्रोश है।
सब है। कन्नौज में बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां टायर फटने से तेज रफ्तार से चल रही कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई, जिससे टायर में आग लग गई। मौके पर कार जलकर खाक हो गई। वहीं कार में सवार चार लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी रही। डिवाइडर से कार टकराई। फिलहाल कार सवार सुरक्षित हैं, जिन्होंने निकलकर अपनी जान बचाई है। लेकिन जिस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं दर्शाती हैं कि आप अगर गाड़ी में चलें तो आप सावधानी आप बरतें, मुस्तैद आप रहिए तब भी, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाओं में कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। बिहार की बेगूसराय से जहां एक बार फिर से बेरहम ससुराल वालों ने विवाहिता पर तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में मायके वालों ने इलाज के लिए उसे सदर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं महिला ने मरने से पहले ससुराल वालों पर उसे मारने का आरोप लगाया था। घटना की सूचना मिलते स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जुट गई और आगे की कार्रवाई अब जारी है। मेरे ननद को देवर हाथ तोड़ के उस समय मारा, फिर भी मेरे ननद उस घर में रही। कल शाम में गई 2 बजे रात में आग लगा के हमको कॉल नहीं की। उस गांव के आशा बहू वो अपना मायके फोन की तो मेरे खबर आया 5 बजे और यहाँ का आदमी सब बोल रहा कि उस समय हम अभी आए हैं। यहाँ का आदमी सब परसेंट बोल रहा कि इसको बोला कि जहर को सुइया खिला कर इसको जान मार दे। हम अभी आए तो हमको सब आदमी बोल रहा, हम इतना कहना चाहते हैं कि हमको सब पर केस चाहिए। बगाम एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां पर दिन दाड़े 50,000 की लूट की वारदात सामने आई। ये पूरा मामला धना थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुछ अज्ञात अपराधियों की ओर से दिन दहाड़े एक युवती से छेड़खानी की गई। 50,000 रुपये लूट लिए गए, जिसके बाद युवती ने शोर मचाया। युवती की शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को देख अपराधी अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने अपराधियों की बाइक जब्त कर ली और छानबीन में अब जुटी है। अच्छा, उसके बाद वहाँ से आप लोग वहाँ से हम रास्ता कट गए इससे ऐसे आ रहे हैं। पता ना कैसे कट गए, उसको हम नहीं देखे। यहाँ तीनों बाइक लेके यहाँ पहुँच गए। अच्छा, यहाँ आने के बाद से वो लोग बहुत प्रयास किए सरकानी का जी। उसके बाद से पैसा भी छीन लिए। अच्छा अच्छा, मेरा भाई को मार भी दिया, हमको भी मार दिए। हमारा तो छिपन से पहले हमसे रुक दिया है, वहाँ पे झगड़ा किया है, उसके बाद पापा आ गए हैं तो छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आए तो यहाँ पे पापा आगे निकल गए हैं। 1 लाख लिए थे, 50,000 निकाल लिया, 50,000 है। अच्छा, 50,000 निकाल लिया है। आपके साथ कौन कौन थे? हम थे, लड़की भी और दीदी थी और उसका लड़का था छोटा। अच्छा, शादी था, जा रहे थे मार्केट पर। मोगामा रेलवे पुलिस का एक बार फिर से अमानवीय चेहरा सामने आया। वेटिंग रूम में रात बिताने की प्रतीक्षा कर रहे पंडारक के एक युवक ने रोशन कुमार को लाठी डंडे से रेल पुलिस के एक अधिकारी और जवान ने बेरहमी से उसे पीटा है, अधमरा कर दिया।
गंभीर रूप से जख्मी युवक खुद को बचाने के लिए चिल्लाता रहा, मगर रेल पुलिस की गुंडागर्दी के खौफ से कोई भी बचाने नहीं आया। आनन फानन ने मुकामा रेफरल अस्पताल में छोड़कर अपनी दरिंदगी का एक और परिचय दिया। फिलहाल मौत से जूझ रहे युवक को बेहतर इलाज के लिए बाढ़ रेफर किया गया। इस घटना के बाद रेल यात्रियों में अब दहशत का माहौल है। रेल यात्रियों में दहशत इस घटना के बाद जिस तरह से एक यात्री की पिटाई की गई और ये कहना वहाँ पर मौजूद उस यात्रियों का कि क्यों इन्होंने पीटा ये मुझे अभी पता नहीं, लेकिन ये दादागिरी और गुंडागर्दी, यह मानवीय चेहरा जिस तरह से रेलवे पुलिस का सामने आया, इस पर अब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए अगर वाकई में युवक को बिना किसी बात के पीटा गया। जो साइड से जो स्लेब दीवार के साइड से जो स्लेब ढाला हुआ था उस पर मतलब हम आराम करने लगे। मेरे पास फ़ोन था, पर्स था, सोचे कि इधर उधर कहीं जाएंगे, घूम हो गया तो फिर क्या करेंगे, वहीं पे साइड में सो गए। एक बजे के आसपास एगो एन खान करके एसआई थे, उनके साथ एक हवलदार या सिपाही थे, वो उठाए बोले कहाँ जाए अरे, हम बोले पंडारक जाएंगे सर। तो बोले जाओ यहाँ पर क्या कर रहा है, बोले सर पंडारक कैसे जाएंगे, कोई ट्रेन आएगी तब ना जाएंगे, सटल से सुबह जाएंगे ना। तो मरना स्टार्ट कर दिए, दो तीन डंडा पहले मारे, तीसरा डंडा आँख पे मार दिए। कहाँ के जवान लोग थे जो आपके साथ मारपीट किए? मकामा जीआरपी के। अनूपपुर में लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे थे, इसी के मद्देनज़र आज शाम से अब 3 मई तक वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। और इसी पर अनूपपुर एसडीएम कमलेश पुरे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता न्यायमुद्दीन अली ने, देखिए। 6 बजे से 3 मई सुबह 6 बजे तक के लिए अनूपपुर जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनूपपुर एसडीएम कमलेश पुरी जी, हम जानेंगे क्या छूट है, किन चीज़ों में प्रतिबंध लगाया गया है। कमलेश पुरी जी से पूरी बात जानेंगे सर, क्या छूट किए गए हैं और क्या अभी इस कोविड के महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के लिए कुछ दुकानों को छूट दिए। जैसे दूध वाले हैं वो 6 से 9 बजे तक अपने दूध की डिलीवरी कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने होम डिलीवरी के लिए नया एक जो पिछले साल भी किया हुआ था उसमें सभी को हम नंबर देंगे, और जितने वार्डवासी हैं जिनको अगर सामग्री की आवश्यकता होगी तो वो उनको फ़ोन करके समय निर्धारित किया गया है, सुबह 6 बजे से 12 बजे के बीच ही जो सामग्री चाहिए वो उपलब्ध हो जाएगी। और जो सब्जी मंडी है वो कहीं पे भी लगेगी नहीं, और ठेले के द्वारा वो घर घर जाके उसका वितरण कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और इस बार क्योंकि काफ़ी संख्या में प्रकरण आए हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, जिला प्रशासन की ओर से अगर जनता से कोई अपील करना चाहते हों तो? सर बिल्कुल, प्रशासन की ओर से हमारी अपील है कि वो घर में ही रहें, और क्योंकि इस कोविड के चैन को तोड़ने के लिए कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन तो होना आवश्यक है। पहले हम लोगों ने 2 दिन का लॉकडाउन किया था लेकिन वो प्रभावी नहीं रहा, लगातार ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके मद्देनज़र आज आपदा प्रबंधन की बैठक ली गई जिसमें हमारे कलेक्टर महोदय ने ये निर्णय लिया, समिति ने निर्णय लिया है कि 15 दिन का टोटल लॉकडाउन। मधुबनी जिले के हरलाखी